इस ट्यूटोरियल में इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सैमसंग का कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उसका परपिला कैसे खोलते हैं। जैसे ये सैमसंग A02S मॉडल है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी वाईफाई कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, इधर ये पार्पी लॉक लगा हुआ है। फिर आपने बैक पे जाना है और आप लोगों ने पावर बटन और वॉल्यूम प्लस को सेम टाइम पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने यूज़ पे क्लिक करना है। यूज़ के बाद दोबारा सेम टाइम पे क्लिक करना है। यहाँ पे टॉक बैक ऑन हो जाएगा। टॉक बैक ऑन होने के बाद आप लोगों ने एल ड्रा करना है मगर अपोजिट साइड पर करना है। फिर आप लोगों ने विल यूजिंग द ऐप करना है। फिर यूज़ वॉइस कमांड पर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों ने गूगल असिस्टेंट बोलना है। यहाँ पे आप लोगों ने गूगल असिस्टेंट बोलना है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब लिखना है मगर आप लोगों ने पहले टॉकबैक ख़त्म करना है। टॉकबैक ख़त्म सेम वही तरीका है। आप लोगों ने यहाँ यूट्यूब लिखना है और सेंड कर देना है। यहाँ पे आप लोग का यूट्यूब ओपन हो जाएगा। जो कोने पर जीमेल आइकन है आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग के बाद अबाउट पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने यूट्यूब तरफ आप सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने विन रूम क्लिक कर देना है। विन रूम पे आप लोगों ने चले जाना है और आप लोगों ने नोटिफिकेशन बार और पैकेज डिसेंबलर प्रो APK फाइल डाउनलोड कर देना है। नोटिफिकेशन बार डाउनलोड कर देना है। ये दो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड कर देना, नोटिफिकेशन बार और पैकेज डिसेंबलर। ये दो फाइल हमारा डाउनलोड हो जाएगी। इधर जब ये डाउनलोड हो जाए फिर आप लोगों ने इधर गैलेक्सी स्टोर पे आना है। फिर आगे हमने गैलेक्सी स्टोर पे जाना है। गैलेक्सी स्टोर को हमने अपडेट करना है। गैलेक्सी स्टोर को अपडेट करने के बाद आप लोगों ने फाइल शॉर्टकट इंस्टॉल कर देना है। पहले डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर देना है आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड करना है। फिर उसको आप लोगों ने ओपन करना है मगर यहाँ पे आप लोगों ने पहले सैमसंग अकाउंट जो आपका कोई भी बना हुआ आप लोगों ने वो एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद आप लोगों ने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड तो वो फाइल शॉर्टकट वाला फाइल डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप लोगों ने उसको ओपन करना है। ठीक करता हूँ, दो मिनट से। तो आप लोगों ने यहाँ पे वो नंबर पे आपको मैसेज आएगा जिस पे आप लोगों ने सैमसंग अकाउंट बनाया हुआ है। उस पे आपको कोड आएगा। उस कोड को आप लोगों ने इधर इंटर कर देना है। वो वेरिफिकेशन कोड इस पे आता है। मेरे पास इसका कोड आ गया। जिस नंबर पे आप लोगों ने सैमसंग अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लोगों ने उस नंबर पे इधर एंटर कर देना है। अभी हमने फाइल शॉर्टकट को ओपन कर दिया है। यहाँ पे हमने इस फाइल को 5 बार क्लिक करना है डाउनलोड पे जाके।
यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, मगर आप लोगों ने 5 बार क्लिक करना है इसको। फिर आप लोगों ने अपना जो मोबाइल नेम है और वो जो आप लोग का फाइल जहाँ बना आप लोगों ने वापस जाना है। आप लोगों ने 5 दफ़ा यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, मगर आप लोगों ने 5 बार क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग डाउनलोड पर जाना है, अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये डन हो गया था। आप लोगों ने वो स्नैचर 14 डाउनलोड कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने वो OS 14 लंचर डाउनलोड कर देना है। OS 14 लंचर डाउनलोड करके उसको ओपन कर देना है आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने सेटिंग पे जाना है, फिर प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी के बाद आप लोगों ने परमिशन मैनेजर पे जाना है। उसके बाद फाइल एंड मीडिया पे जाना है। उसके बाद आप लोगों ने शो सिस्टम एप्स कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने पैकेज डिसेंबलर APK पे आप लोगों ने अलाउ कर देना है। अलाउ मैनेजमेंट आप ऑल फाइल्स पर करना है। उसके बाद आप लोगों ने पुल बैक पर जाना है, नोटिफिकेशन बार इंस्टॉल कर देना है। नोटिफिकेशन बार को आप लोगों ने ओपन कर देना है। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, मगर यहाँ पे आप लोगों ने नोटिफिकेशन बार इधर से नहीं नीचे नहीं आएगा, मतलब इधर से तो ऑन हो जाएगा मगर काम नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने फिर डायरेक्ट सेटिंग पे जाके वाईफाई को ऑफ कर देना है। वाईफाई ऑफ करने के बाद आप लोगों ने पैकेज डिसेंबलर जो APK है उसको आप लोगों ने ओपन करके चेक कर देना है। फिर आप लोगों ने वापस जाके वाईफाई ऑन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने एग्री कर देना है, अलाउ करके एग्री कर देना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन बार काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आप लोगों ने एंड्रॉयड सेटअप डिसेबल कर देना है। और उसके बाद सैमसंग सेटअप YZ पे आप लोगों ने क्लियर कर देना है। जब बैग पे जाएंगे तो YZ आप लोगों ने ओपन कर देना है। अगर आपका मोबाइल डन हो गया, PARPI लॉक ख़त्म हो गया, तो आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों ने लाइक कर देने, कमेंट कर देने और सब्सक्राइब कर देने अगले वीडियो के लिए।